हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल की नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली कैपिटल और मुंबई इंडियंस के बीच हुए प्रैक्टिस सेशन के बारे में। तो प्लीज़ वीडियो को हमेशा की तरह अंत तक जरूर देखिए। अगर आप भी मुंबई इंडियंस अभी दिल्ली कैपिटल के फैन हो तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 24 मार्च 2019 को मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल के बीच मुकाबला खेला जाएगा जो कि वानखेड़े के स्टेडियम में होगा। इसी बात को देखते हुए दोनों टीम बहुत ज्यादा ट्रेनिंग कर रही है पहले मुकाबले के लिए। दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मुंबई इंडियंस की टीम अपने होम ग्राउंड यानी वानखेड़े के स्टेडियम में ट्रेनिंग कर रही थी जबकि दिल्ली की टीम अपने होम ग्राउंड दिल्ली के स्टेडियम में कर रही थी। लेकिन जैसे कि आप लोग जानते हैं कि यह मुकाबला खेला जाएगा वानखेड़े के स्टेडियम में, इसलिए दिल्ली की टीम अपने होम ग्राउंड को छोड़कर वानखेड़े के स्टेडियम में पहुंच चुकी है। इसी बात को देखते हुए मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल की टीम ने साथ में प्रैक्टिस सेशन करा जिसमें हमें देखने को मिले युवराज सिंह, सौरभ गांगुली, हार्दिक पांड्या, ईशान शर्मा, जसप्रीत बुमराह, ईशान किशन, ऋषभ पंत और पृथ्वी शॉ जैसे प्लेयर, और इसी के साथ ही हमें देखने को मिले बैन कटिंग और कुणाल पांड्या। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इन दोनों टीमों के बीच खेला जाएगा मुकाबला 24 मार्च 2019 को, इसलिए दोनों टीम बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही है पहले मुकाबले के लिए। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके जरूर बताएं आपके मुताबिक कौन सी टीम यह मुकाबला जीतने वाली है। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको IPL जुड़ी हर अपडेट मिले सबसे पहले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।